मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रसवध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर नर्मदे त्वं महाभागा सर्व पाप हरी त्वभव त्वदप्सुयाशला सर्वा शिव कल्पा भवन्तु ता माघे चासित्व सप्तभ्याम दास्त्रभ्ये च रवेदनम मध्याने समये राम भास्करेण क्रमागति। और भैया भगवती नर्मदा जो है माघ शुक्ल सप्तमी को आपका अवतरण दिवस है, नर्मदा जयंती जिस दिन पार सारे नर्मदा चल में मनाई जाती है। हम जो है आपके सामने दोहा चौपाइयों के माध्यम से एक संक्षिप्त नर्मदा पुराण प्रस्तुत कर रहे हैं। और विगत विश्राम में आज जैसा कि आपको हम बार बार बताया जा रहा है कि हम सब लोग जो है आप लोग और हम सब जो है भगवती नर्मदा की मानसिक रूप से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करते करते हम जो है अभी गत विश्राम में हमने मातृतीर्थ का वर्णन किया। मातृतीर्थ यानी सप्त मातृकाओं ने जहाँ तपस्या की थी और वो गांव जो था वहाँ उस गांव से आगे चलते हैं हम। उसी गांव से आगे जहाँ से मातृतीर्थ है वहाँ से ही थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे एक मुंडेश्वर नाम का स्थान है, मुंडेश्वर तीर्थ कहते हैं उसे। देखिए आप, शिव जी के दो प्रमुखो गण रुंड मुंड पहचान। ये भैया भगवान शिव जी के गण आ गए यहाँ पर। इसमें देखिए एक का नाम था रुंड और एक का नाम था मुंडो। तो शिव जी के दो प्रमुख गण रुंड मुंड पहचान, थापित कीने मुंडने मुंडेश्वर भगवान। और मुंड नाम के जो गण शंकर जी के वो एक बार नर्मदा जी के तट, कौन से तट पर आए, जिस तट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां आप हम लोग विश्राम कर रहे हैं, यहां पर मुंड ने भगवान शिव की स्थापना की थी और भगवान शिव की तपस्या की थी। वह प्रसंग सुनिए। उमा सुरक्षा हित हर कह कर, उमा सुरक्षा हित हर कह कर मुंड नियुक्त किए पहरे पर। अब कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक बार शंकर जी ने मुंड से कहा, भाई तुम जरा रक्षा करना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, पार्वती की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। कोई ना कोई पहरे पे रहता है भाई भगवान शंकर के, हैं कभी नंदी रहते हैं, नंदी भंगी बहुत सारे गण हैं उनके। तो यह मुंड नाम के गण से कहा गया, क्या कहा भगवान ने, मुंड उमा सुरक्षा हित हर कह कर मुंड नियुक्त किए पहरे पर। मुंड हाथियों को जब देखा और भटक गया मन ध्यान विशेषा। कभी कभी क्या होता है, पहरेदार जो ठीक से पहरेदारी नहीं करते तो निश्चित रूप से मालिक जो आप देखते हैं नाराज हो जाते हैं। जब देखा भगवान तो चले गए, इधर मुंड ने उस समय क्या हुआ, जब पहरे पर था उस समय कुछ हाथियों का झुंड उधर से निकला और उन हाथियों के मतवाले चाल को देख करके मुंड का ध्यान उधर भटक गया और पहरे तरफ से उसका ध्यान नहीं गया। और वो इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि वो ये भूल गया कि मुझे भगवान शिव ने कौन सा कर्तव्य करने के लिए कहा है, कौन सी ड्यूटी लगाई है मेरी। नहीं मिला शिव को पहरे पर और शाप दिया शिव को पित होकर। जब भगवान शिव आए तो वहाँ देखा कि वो मुंड था ही नहीं, क्योंकि वो तो हाथियों के झुंड की तरफ चला गया था, उसमें निमग्न हो गया था देखने में। तो भगवान शिव और रुष्ट हो जाते भाई। और क्या कहा भगवान ने, कि जा मनुष्य हो जा पृथ्वी पर, चला जा पृथ्वी पर, अब तू मनुष्य हो जा, तू मेरे गण रहने के लायक नहीं रहा है। हुआ दुखी गण निज करनी पर, अब तो गिड़गिड़ाने लगा गण, भैया कोई भी स्वर्ग छोड़कर की कैलाश छोड़कर के कोई पृथ्वी पे आना चाहेगा। प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु गलती हो गई, अरे मैं ना जाने क्या हो गया, मेरे मन को उधर भटक गया था, आप क्षमा कीजिए कृपा कीजिए। जब बार बार आप जानते ही भगवान शिव तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा उन्होंने, आओ वो कहा मैं तुझे क्षमा तो नहीं करूंगा भाई, पर इस समय जो है पार्वती जी आ गई। जब समाचार पूछा कि महाराज क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी रक्षा में सौंप गया था मैं इसे, और ये जो है हाथियों की तरफ चला गया, हाथियों के झुंड में व्यस्त हो गया, उधर पहरेदारी इसने ठीक से नहीं की।
अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे श्राप दूंगा मैं, हैं। और श्राप तो दे दी, बोले मैं इसको श्राप दे दिया, जा मन सो जा। पर पार्वती जी को दया आ गई। देखो भैया, महिलाएं जो है विशेष रूप से बड़ी दयालु होती हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज ठीक है, वो एक गलती हो गई, एक बार गलती क्षमा कर दीजिए उसकी। तो पार्वती ने दया दिखाई और तब शिव जी ने राह सुझाई। जब पार्वती जी ने कृपा की, दया की उसके ऊपर, तब भगवान शंकर का, अच्छा एक काम करते हैं भाई, अब श्राप तो मैंने दे दिया है, अब तुम नर्मदा किनारे जाओ और वहां नर्मदा के तट पर जाकर के तपस्या करो, तब श्राप से विमुक्त होकर के पुनः तुम मेरे गण होगे। इस प्रकार से भगवान ने उसे सुझाव दिया। हर ने हित गण की भाव भीरा, हर ने हित गण की भाव भीरा और भेजा उसे नर्मदा तीरा। भगवान शंकर ने कहा, भैया नर्मदा के किनारे जाकर के कवि रेवा तटे तपा कुरिया, तो ऐसा कहा गया है रेवा के तट जो है, और विशेष रूप से जितनी भी पवित्र नदियां हैं भैया हमारे यहाँ, तो उन सबके किनारे तपस्या करने का महत्व बताया गया है, पर नर्मदा जी के किनारे तो विशेष रूप से कहा गया है। इसी तीर पर मुंडने थापे शिव भगवान, इसी तीर पर मुंडने थापे श्री भगवान, मुंडेश्वर के नाम से चर्चित हुए जहान, उमापति महादेव की जय, हरा हरा नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें।